बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। पूरा दिन मैंने काम किया, काम करके मेरा काम ख़त्म हो गया, खाना वाना पीना सब हो गया है और अभी हम लोग जाएंगे मार्केट। मार्केट से कुछ सामान खरीदना है और सब्जी वगैरह और घर के खाने पीने की चीज़ें, तो अभी बस निकलने वाले हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ आज क्या हुआ मेरे साथ। मैं रील्स बनाने गई थी छत के ऊपर और वहाँ पर मैं रील्स बना रही थी और मैं रील्स बनाते समय सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो बनाती तो मैं कुछ भी याद नहीं रखती हूँ, सब मैं भूल जाती हूँ। आज मेरे साथ क्या घटना घटी आपको पता है? मैं ऊपर रील्स बना रही हूँ और मलिष्का नीचे सो रही थी और कोई नहीं था घर में और मैं इसको ताला बंद करके मैं चली गई ऊपर, तो ये बेड पे लेटी थी और उसके बाद इतना तेज़ ये गिरी लड़की धड़ाम से कि कुछ कहने को नहीं, धड़ाम से नीचे गिरी। उसके बाद बहुत रो रही थी और मेरे को मालूम ही नहीं है कि ये नीचे गिरी है और रो रही थी। ये लड़की रोते रोते उस रूम में चली गई। मैं एक घंटे के बाद आई तो ये लड़की इतना रो के परेशान हो गई, इतना रोई कुछ कहने को नहीं, बहुत रोई और उस रूम में दूसरे रूम में जाके खड़ी है और इतना रोई, इतना रोई भगवान, कुछ कहने को नहीं। और थोड़ा सा इसको चोट भी लगा है। सो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब इसको रूम में बंद करके नहीं जाऊंगी। बेचारी, मैं भी इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं इसको छोड़ के चली गई थी लेकिन बेचारी को चोट लग गया। लेकिन मेरी ही गलती है, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए ना, मेरी ही गलती है गाइस। अब मैंने डिसाइड किया है कि अब इसको अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, इसी के पास रहूंगी और रील्स वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बेचारी बहुत बहुत रोई है आज। तो मैं कितना मेहनत करके और कितना कैसे करके मैं रील्स बनाती हूँ मेरे को पता है। एक सेकंड के लिए लड़की मेरे को छोड़ती नहीं, छोड़ के जाओ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आप ही लोग बताइए गाइस मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हो जाती हूँ। एक सेकंड के लिए भी मतलब मैं दूर जाके नहीं बना सकती, तो ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, अब बनाते हैं, बनाऊंगी, अब इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैंने डिसाइड किया है।